नमस्ते दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सत्य सनातन में। हमारे बहुत सारे दर्शकों ने ये अपील की थी, ये गुजारिश भी की थी और ये आदेश भी दिया था कि भाई आपने बहुत दिनों से एक तो बुक्स का रिव्यू नहीं किया है वैदिक किताबों का, और दूसरी बात ये है कि वैदिक बुक्स में से भी सबसे स्टार्टिंग जो उसकी स्तंभ है, जो आधार है, कुछ भी कहें, वेद, वेदों का तो आपने अभी तक कोई रिव्यू नहीं किया है, ना ही बताया है कि वेद किन किन फॉन्ट में, कौन कौन सी फॉर्म में और किस किस डिज़ाइन में प्रस्तुत हैं, किस किस डिज़ाइन में आ रहे हैं, और एक और चीज़ कि उनके प्राइस क्या हैं, घर तक पहुंचाने में, घर तक मंगाने में क्या क्या सुविधाएं दी जा सकती हैं, कौन से पोर्टल पर, कहाँ से ख़रीदने पर हमको कुछ छूट मिल सकती है, ये सारी बातें आप लोगों ने पूछी थी। तो रिव्यू के लिए मेरे पास में, क्योंकि ऑलरेडी वेद हैं, और ये बिल्कुल मैं इस गलती को स्वीकार करता हूँ कि मैंने अभी तक वेदों के ऊपर वीडियोस बनाए हैं लेकिन वेद बुक्स का रिव्यूज़ अभी तक नहीं किया था। तो अब आकर के, क्योंकि हमारे साथ में काफ़ी सारे लोग जुड़ भी गए हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये जानकारी मिलेगी, इसलिए ये रिव्यू हम कर रहे हैं अभी। और आप देख लीजिए, सबसे पहले तो ये जो पूरा का पूरा सेट है ये मेरे पास में vedrishi.com से आया हुआ है, और ये आर्ष साहित्य भवन पब्लिकेशन का है। श्रीमद् दयानंद सरस्वती जी इसके भाष्यकार हैं। ये ऋग्वेद का मंडल 1 और 2 है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इसका पार्ट 1 है। तो इसकी सबसे पहले मैं आपको बताऊँ, ये जो इसका कवर है वो हार्ड है, और इसकी जो प्रिंटिंग है वो बहुत ही खूबसूरत है, मोटे अक्षरों में है, और इसके जो पेपर्स हैं, पेज हैं, वो बहुत ही शानदार हैं, बहुत अच्छी क्वालिटी के हैं। दूसरी चीज़ ये है कि इसमें पेजेस का जो वॉल्यूम है वो एकदम लिमिटेड दिया गया है, और ताकि आपकी बुक एकदम सुरक्षित रहे। और सबसे बड़ी चीज़ के जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद इसमें हमारे को मिलता है ये 4 पार्ट्स में, ये इसके 2nd और 3rd वॉल्यूम है, और ये आप देखिए इसका 4th वॉल्यूम है। इसी तरीके से फिर यजुर्वेद है, सामवेद है, अथर्ववेद है। वेद आपके लिए पढ़ना अत्यंत आवश्यक है, लेकिन उससे पहले आप सत्यार्थ प्रकाश तो कम से कम पढ़ लें, यानी कि अपना वेदों तक पहुंचने का एक बेसिक क्लियर कर दे, और ये मैं उनके लिए बोल रहा हूँ जो केवल और केवल हिंदी में पढ़ना चाहते हैं। इसकी सबसे बड़ी खासियत ये भी है कि इसमें जो मंत्र दिया गया है उनका संधि विच्छेद भी किया गया है, और अलग अलग शब्दों का अर्थ करके इसमें बताया गया है, जैसे कि शिशु जज्ञानम हरियंतम, तो शिशुम अलग बताया गया है कि श्यति सूक्ष्म करोति प्रलय काले जगदिति शिशुः, परमात्मा उस परमात्मा को, यहाँ तक बताया गया। फिर ज ज्ञानम यानी कि जो सदा प्रकट है, मरुतः यानी कि विद्वान लोग, तो इस तरीके से इसको संधि विच्छेद करके एक एक अक्षर का उसमें अर्थ बताया गया है, और फिर उसके बाद में एक पूरे के पूरे मंत्र का पूरा शाब्दिक अर्थ बताया गया है। ये इसकी खासियत है, इसको पढ़ने के लिए आपको सबसे पहले सत्यार्थ प्रकाश तो कम से कम पढ़नी ही होगी। वेदों के ऊपर हमने अभी तक जितने भी वीडियोस बनाए हैं कि वेदों में विज्ञान, वो वीडियोस हैं जो हमने इन्हीं वेदों से खोज करके लाए हैं आपके सामने, और आपको बताए हैं कि वेदों में कितना विज्ञान है, कहां कहां पर ज्वारभाटे के लिए पूर्णिमा के चंद्रमा को उत्तरदायी बताया गया है, कहाँ पर वर्षा के लिए सूर्य की किरणों को उत्तरदायी बताया गया है, कहाँ पर गुरुत्वाकर्षण के लिए बात कही गई है कि गुरुत्वाकर्षण की वजह से ही ये सब चीज़ें जमीन पर गिरती हैं, कहाँ कहाँ पर सभी स्थितियों, पदार्थों, परमाणु के संगठन और उनके विघटन के बारे में बताया गया है कि किस प्रकार से जो अंतिम अणु है, जिसको कहा गया है परम अणु, वो परमाणु अलग अलग अनुपात में मिलकर के अलग अलग द्रव्यों का निर्माण करता है, कहाँ ये बताया गया है कि सत्व, रजस और तमस, जिसको आजकल के स्टूडेंट्स इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के रूप में भी इनसे कंपेयर करके देख रहे हैं,
वो सब चीज़ें मिल करके किस प्रकार से परमाणु बनती हैं और किस प्रकार से फिर परमाणु से अन्य अन्य पदार्थ बनते हैं और पूरी इस सृष्टि का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से ऋग्वेद जो है वो पूरी तरीके से ज्ञान कांड है, ज्ञान के ऊपर, नॉलेज के ऊपर बेस है। तो इसी प्रकार से हमारे पास में है अथर्ववेद, और अथर्ववेद ये पंडित क्षेमकरण दास त्रिवेदी जी का, ये इनके भाष्यकार हैं, आप देख सकते हैं। ये भी इसी वॉल्यूम में है, इसी साइज में है, इसी पेज फॉर्म में है। ये अथर्ववेद के कांड नंबर 14 सूक्त नंबर 1 में पहला ही जो मंत्र है, लोक दो प्रकार के हैं, एक प्रकाश करने वाले जैसे कि सूर्य और दूसरे अप्रकाशमान जैसे कि पृथ्वी और चंद्रमा आदि। परमेश्वर के नियम से प्रकाशक सूर्य आदि लोक प्रकाश्य अर्थात पृथ्वी और चंद्रमा आदि लोकों को अपने प्रकाश से प्रकाशित करते हैं। तो इस प्रकार से वेद आपको बताता है कि चंद्रमा और पृथ्वी का अपना कोई प्रकाश नहीं है, बल्कि वह जो भी प्रकाश है वो सूर्य से ही उनको मिलता है और वो उससे प्रकाशित होते हैं। अब आप ये बताइए कि कोई भी ऐसी पुस्तक, कोई भी ऐसा ग्रंथ जो अपने ईश्वरीय होने का दावा करता है, आप चाहे उसमें कुरान को लें, चाहे उसमें आप बाइबल को लें, तौरात को लें, केवल उन्हीं ग्रहों के बारे में बताया गया है, नक्षत्रों के बारे में बताया गया है जो कि एक आम इंसान, एक आम बच्चे को भी धरती से दिखाई देते हैं। उनका दावा है कि उनके जो पैगंबर साहब थे वो एक गधी के ऊपर बैठ करके प्रकाश की गति से बहुत दूर तक विचरण करके आए। कितनी दूर तक वो भी उनको नहीं पता है, ना हमको पता है, ना उनकी किताब को पता है, ना खुद मोहम्मद साहब को पता है। लेकिन वो बंदा जाता भी है और आता भी है, लेकिन बीच में उसको कोई नक्षत्र दिखाई नहीं देता है, और वो अपनी पवित्र किताब कुरान में लिखते हैं केवल किसके नाम, एक सूर्य, एक चंद्रमा, एक पृथ्वी और तारे, इसके विषय में बात करते हैं, लेकिन इसके आगे दूसरे ग्रहों के बारे में बात नहीं करते हैं। जबकि अगर आप वेद पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा, एक ईश्वरीय पुस्तक ही आपको बता सकती है कि सूर्य के प्रकाश से ही प्रकाशित है चंद्रमा और पृथ्वी। तो इस प्रकार से हमने अथर्ववेद की बात की। हम बात करेंगे अब यजुर्वेद की। यजुर्वेद केवल एक ही बुक में आ गई है, और इस बुक की फॉर्म, इसके पेज, इसकी जो डिज़ाइनिंग है, इसके जो अक्षर हैं वो सेम टू सेम है, क्योंकि प्रकाशक वही एक आर्ष साहित्य भवन है। यजुर्वेद एक बहुत ही महत्वपूर्ण वेद है, और इसी के ही तृतीय अध्याय के छठे मंत्र में क्या कहा गया है कि मनुष्य को जानना चाहिए कि जिससे यह भूगोल, अब देखिए भूगोल शब्द यहाँ पर आया है, पृथ्वी जल और अग्नि के निमित्त से उत्पन्न हुई, अंतरिक्ष व अपनी कक्षा अर्थात योनि रूप जल के सहित आकर्षण रूपी गुणों से सबकी रक्षा करने वाले सूर्य के चारों तरफ क्षण क्षण घूमती है, इसी से दिन रात शुक्ल और कृष्ण पक्ष ऋतुएं परिवर्तन होते हैं, अयन यानी के उत्तरायण और दक्षिणायन, और काल विभाग क्रम से संभव होते हैं, यानी कि ये जो पृथ्वी है क्षण क्षण जो है वो सूर्य के चारों ओर घूम रही है, और जल साथ में है, इसके ऊपर जो जल है देखिए वो भी टिका हुआ है, और उसके घूमने के कारण से ही इस पर दिन रात होते हैं, वर्ष बदलते हैं, ऋतुएं बदलती हैं, परिवर्तन होता है, और अयन दक्षिणायन और उत्तरायण होता है। और आपको भी पता है कि दक्षिणायन और उत्तरायण इसलिए होता है क्योंकि पृथ्वी जो है वो 23.5 डिग्री टिल्ट है। अब हमको इसके अलावा और इससे ज़्यादा अपने ग्रंथों से और क्या चाहिए कि वो सारी चीज़ बता रही है और समझा रही है, सबसे बड़ी बात कि वो हो क्यों रहा है, ना कि केवल इसलिए कि हमने पैदा किए जानवर ताकि वो घास खा सकें, और हमने पैदा किए पालतू जानवर ताकि तुम उनको खा सको, यानी कि हम बना दिए हैं सबसे बड़े जानवर, हमने पैदा की ज़मीन और ज़मीन से निकाले हैं पेड़, कैसे निकाले हैं, क्यों निकाले हैं, फालतू में ही, ना आपको पता है कि कैसे निकाले हैं, क्या वजह है,
दो चार बातें गिनवा करके जो कि उससे पहले की पुस्तकों से कॉपी पेस्ट की गई हैं। हम इस पर भी आपको एक अच्छी जानकारी देने वाली वीडियो बना करके आपके सामने लेकर के आएंगे कि किस प्रकार से एक कॉपी पेस्ट को ईश्वर की पुस्तक बता करके लोगों के आंखों में धूल झोंकने का काम किया जा रहा है। और वही चीज़ें बताई गई हैं जो एक आम आदमी को आज से 1400 साल पहले पता होनी चाहिए थी। और मैंने आपको पहले ही बताया है कि जो 1400 साल पहले वहाँ पर भुखमरी, गुर्बत, जहालत और जानवर गिरी इंसान के अंदर थी, उस समय पर भारत में यहाँ की सभ्यता, यहाँ की संस्कृति एकदम उत्कृष्ट थी। लेकिन जाहिलों ने अपनी किताबों में हमारे लिए क्या लिखा कि हम गंदे हैं, हम जाहिल हैं, हम अनपढ़ हैं। ये सब चीज़ें उन जाहिलों ने, उन गंदे लोगों ने, उन गलीचों ने हम सभ्य समाज के लिए लिखी। ये सब बातें बतानी अत्यंत आवश्यक थी, इसलिए मैंने आपको बताई हैं। और इसी के साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि ऋग्वेद, जिनको कि हम उत्कृष्टतम पुस्तक मानते हैं, उत्कृष्टतम पुस्तकों में से मानते हैं, आप देखिए कि वर्षा कैसे होती है और ऋग्वेद इसके विषय में क्या कहता है। ऋग्वेद मंडल नंबर 1 है, सूक्त नंबर 23 है और उसका मंत्र संख्या है 17। तो उसमें कहता है कि जो जल पृथ्वी आदि मूर्तिमान पदार्थों से सूर्य की किरणों के द्वारा छिन्न छिन्न होकर के, अर्थात कण कण होकर के सूर्य के सामने को ऊपर को जाता है, वही ऊपर से वृष्टि के द्वारा गिरा हुआ पीने आदि के व्यवहार में काम आने वाला होता है। अब इस प्रकार से आपको वो आपके वो सुखों को बढ़ाता चला जाता है। अब इससे बेहतर आपको क्या क्या जानकारी चाहिए और क्या मिल सकती है? क्या आपको सिर्फ ये बात कहने वाली किताब ज़्यादा बेहतर लगती है कि हमने आसमान से बादलों को बरसाया या फिर हमने आसमानों से बारिश को बरसाया? केवल इसलिए हम उस किताब को उत्कृष्ट मान लें और सर्वोपरि मान लें? ऐसा कैसे हो सकता है? जो आपको ये ना बता सके कि ये वर्षा होती कैसे है। ज़रा फ़र्ज़ करो आप 5th क्लास में हैं और आपके सामने एक क्वेश्चन आता है वर्षा कैसे होती है, और आप उसमें लिखें अल्लाह मियाँ ने क्योंकि अपनी कुरान में कहा है कि हमने चाहा और बारिश हो गई और हमने बारिश को बनाया, लेकिन वो हुई कैसे उसके बारे में ना बताएं तो क्या आपको मार्क्स मिल सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे। और कोई ईश्वर ऐसा नहीं हो सकता कि अपने बच्चे को बिना पढ़ाए ही उसकी परीक्षा ले और सही जवाब ना देने पर उसको पीटे भी। अब बात करते हैं सामवेद की। सामवेद भी एक ही वॉल्यूम में है। बादल जब गरजता है, बिजली चमकाता है और बरसता है, तब गर्मी की धूल से तप्त लोग उसका मित्र के समान स्वागत करते हैं। बादल के जो उपकार हैं वे वास्तव में परमेश्वर के ही उपकार समझने चाहिए, क्योंकि वह उसी से संचालित होता है। अर्थात एक मंत्र के माध्यम से आपको बताया गया है कि ये जो बिजली चमकती है ये कुछ और नहीं है बल्कि ये बादलों के बीच से ही चमकती है और बादलों के कारण से ही चमकती है। कोई भी चीज़ सूत्र रूप में कही जाती है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारे जो चारों वेद हैं इसकी कुल मिलाकर के 8 कॉपी बनती हैं, 8 वॉल्यूम में ये आता है। इसकी जो पूरी कीमत है वो 5,900 रुपये है, लेकिन यदि आप इसको vedrishi.com से सीधे लेते हैं, यानी कि चारों के चारों वेद एक साथ मंगवाते हैं, तो पहली चीज़ आपको ये 5,500 रुपये मिलता है। दूसरी चीज़ के ये आपको होम डिलीवरी इसकी फ्री है जो आपके घर तक पहुंचेगी, जिसका एक्स्ट्रा 200 से 300 रुपए चार्ज है वो भी आपके लिए माफ़ कर दिया गया है, वो भी बिल्कुल फ्री हो गया है। इस प्रकार से आपको एक सेट मंगाने में, एक वेदों का सेट मंगाने में तकरीबन 700 रुपए का सीधा सीधा बेनिफिट यहां से मिलता है। आप www.vedrishi.com पर जा कर के इन बुक्स को परचेज कर सकते हैं और भी बहुत सारी वैदिक पुस्तकें वहां पर आपको उपलब्ध हो जाती हैं। तो दोस्तों ये तो थी आज की वेदों के ऊपर एक बुक रिव्यू, ताकि मैं आपको जानकारी दे सकूँ। वैसे वेदों के ऊपर यदि हम बात करने में आएँ तो ये वीडियो बहुत छोटी पड़ जाएगी, कई दिन लगातार लग जाएंगे। बीच बीच में हम आपको वेदों की जानकारियों से भरपूर वीडियोस आपके सामने हम आपके बीच में लेकर के आते रहेंगे। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मेरे संग बोलिए सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।